हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, आपका अपने हमारे स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम त्रिकोणमिति में चल रहे हैं। प्रश्नावली 8A, प्रश्नावली 8A, ये जो हमारा बुक है, मतलब किताब है, ये हमारा जो किताब है, ये हम पढ़ा रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे वाले बुक से। तो फ्रेंड्स, उसमें का हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति, जो इकाई 8 है त्रिकोणमिति, उसमें हम प्रश्नावली 8A बताने जा रहे हैं। और उस प्रश्नावली 8A में का पहला क्वेश्चन, तो हमारा ये क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि एक त्रिभुज ABC है। ABC में कोण B जो है हमारा क्या दिया है, समकोण, मतलब 90 अंश दिया है। और भुजा जो AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। हो तो साइन ए कॉस ए टैन ए के मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार इसका मान निकाला जाता है। तो हमारा दे दिया है, यहां पर हम इसको हल कर रहे हैं। हमारा दिया क्या है कि कोण बी जो है हमारा एक कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है। तो यहां पर हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, और वो त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज है, वो हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर ये हमारा हो गया त्रिभुज, यहां पर हो गया हमारा क्या, एक त्रिभुज बन गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पर 90 अंश के मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ कोण बी जो दिया है उसका मान दिया है क्या, 90 अंश। तो यहाँ पर बी ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, यहाँ पर 90 अंश हो गया। और हमारा क्या दिया है, अब हम ए और सी जो है हम अब इस दोनों न्यून कोण में से कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ मान ले रहे हैं ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी। तो इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन गया, और ये जो हमारा समकोण त्रिभुज मतलब कोण बी बराबर दिया था 90 अंश, ये भी हो गया। और हमारा दिया क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा दे दिया क्या, AB बराबर यहाँ पर हम क्या ले लिए, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। और हमारा दिया क्या है, BC बराबर दे दिया क्या, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा BC बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा वो क्या है, कर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो 90 डिग्री ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश की ये जो मतलब कि यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बना रहा है, इसके सामने की भुजा जब हम देखते हैं तो हमेशा कर्ण को बताता है। ये हमेशा होता ही है कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हमको कर्ण को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको तीसरी भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो त्रिभुज में ये जो लंब है AB, इसका वर्ग प्लस ये जो आधार है इसके वर्ग के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या, कर्ण जो हमारा है क्या है, AC है। तो यहाँ पर हो गया क्या, AC का वर्ग, और जो हमारा लंब है, लंब हमारा क्या दिया है, AB। तो हो गया हमारा क्या, AB का वर्ग, और प्लस जो ये आधार है तो यहाँ पर क्या हो गया, BC कवर। तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दिए, कर्ण हमारा ये हो गया, कर्ण कवर बराबर हो गया क्या, AB, मतलब ये हमारा हो गया क्या, लंब कवर, और प्लस ये जो आधार है यहाँ पर हो गया क्या, आधार कवर। तो इस प्रकार हमारा ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए कर्ण हमारा, कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये जो लंब है, लंब हमारा दिया क्या है, 5, तो यहाँ पर हो गया 5 कवर। और ये जो आधार हमारा दिया है, आधार हमारा क्या दिया है, 12, तो यहाँ पर हो गया क्या, 12 कवर। तो ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब ये दिया है, लंब मतलब 5 का स्क्वायर हो गया क्या, 25, और यहाँ 12 कवर कितना हो गया, 144। तो इस प्रकार हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 हो गया क्या, 9, और यहाँ पर हो गया 4 2 6 और ये, तो ये हमारा हो गया क्या, कर्ण बराबर, ये हमारा हो गया क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट में 169, और एक इसका वर्गमूल है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कर्ण बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 गुणे क्या हो गया, 13। इस प्रकार हमारा पेयर बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा आ गया क्या, कर्ण बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको तीसरी भुजा जो थी कर्ण, वो हमको क्या हो गई, पता हो गई। तो जब हमको तीसरी भुजा पता हो गई तो अब हम इसमें जो भी अनुपात दिया है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हमारा पूछ रहा है साइन ए।
अब यहां पर ए बना रहा है, तो जब हम इसमें अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो ए के सामने की भुजा जब हम देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, लंब, क्योंकि जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, उसके सामने जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और इसके बगल की जो भुजा, ये परपेंडिकुलर जो है, ये क्या हो जाएगी, आधार। तो ये हमारा ये भुजा जो होती है लंब होती है, इस पे जो ये भुजा क्षैतिज है, ये क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सामने का लंब हो गया। तो ये हम ज्ञात करेंगे क्या, साइन ए। तो साइन ए बराबर, अब साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटे कर्ण होता है। तो ए के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण अपना स्थान बनाए रखता है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 12 है, कर्ण क्या है, 13। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा क्या, 12/13। तो इस प्रकार हमारा साइन ए प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस ए, फिर ए के सामने भुजा को देखेंगे तो हमेशा लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार हमारा क्या हो जाएगा, 5, यहां पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार हमारा क्या दिया है, 5, और कर्ण हमारा क्या दिया है, 13। तो इस प्रकार हमको आधा मतलब कॉस ए पता हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, टेन ए। तो टेन ए, अब हम जानते हैं क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के सामने भुजा क्या हो गई, लंब, और ये भुजा क्या हो गई, आधार। तो यहां पर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। तो यहां पर हो गया लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या दिया है, लंब हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, और आधार हमारा क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है हमारा जो क्वेश्चन दिया था, प्रश्न दिया था, इसके अनुसार हम इसको निकाल करके और इसका जो मान पूछा है, इस प्रकार हम इसको, इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन, ये जो है हम बता रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो है, क्वेश्चन नंबर ये जो एक दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर एक के अनुसार हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पर मतलब कि प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 तक इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करते रहिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेजिए। इस प्रकार की समस्याओं को हम फिर देख करके इस प्रकार का हम वीडियो बनाएंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक हमारे लिए जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।